मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल विद मराठी मानुस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समृद्धि महामार्ग के बारे में। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है समृद्धि महामार्ग। यह जो प्रकल्प है दो राजधानियों को, महाराष्ट्र की जो दो राजधानियाँ है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और सब कैपिटल नागपुर, इनको जोड़ने का ये काम करता है। तो अभी इस महामार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई है नागपुर में और आगे, और इसका काम कैसे चालू है, यह हमें इस वीडियो के माध्यम से देखना है। तो इस महामार्ग से जुड़ी सभी अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। सिर्फ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र का गौरव अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ाने वाला एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और महाराष्ट्र का गौरव पूरे देश दुनिया में बढ़ता है इसमें मराठी मानुस हमेशा गौरवान्वित महसूस करेगा। तो चलिए चलते हैं समृद्धि महामार्ग की ओर, देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे चालू है। तो अभी हम खड़े हैं हिंगना में। हिंगना एक तहसील प्लेस है नागपुर ज़िले का और यह तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है नागपुर से। समृद्धि महामार्ग की शुरुआत जहां से शुरू हुई है वह जगह यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं दोस्तों। अभी हम उस जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ से समृद्धि महामार्ग की शुरुआत हुई है नागपुर ज़िले में। यह है स्टार्टिंग पॉइंट, शिव मड़का करके आपको दिख रहा होगा। यह है शिव मड़का, इस छोटे से प्लेस का नाम। और यहाँ से आप देख रहे हैं समृद्धि महामार्ग की शुरुआत हुई है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आ रहा है नागपुर की ओर से। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है मुंबई की ओर, अमरावती अकोला मुंबई। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आ रहा है हिंगना की ओर से, जहाँ से अभी मैं आया हूँ। और ये बहुत ही चौड़ा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये है समृद्धि महामार्ग की शुरुआत। तो अब हम खड़े हैं नागपुर मुंबई रिंग रोड पे। ये जो हाईवे अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जाता है नागपुर से मुंबई की ओर। यह जो टोटल डिस्टेंस है यह 850 किलोमीटर के करीब है और इसी को कम करके अभी यह समृद्धि महामार्ग बनाया जाने वाला है, जिसका डिस्टेंस 710 किलोमीटर के करीब आएगा। और इसमें जो लागत आने वाली है वह करीब करीब 55,000 करोड़ के करीब आने वाली है। और इसका काम अभी कैसे चालू है यह हम थोड़े थोड़े एक एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके देखते हैं। तो यह है वो जगह जहाँ से समृद्धि मार्ग शुरू हुआ है। यह जगह नागपुर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जामठा स्टेडियम सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो VCS स्टेडियम भी जिसे बोलते हैं।
ये FSC के गोडाउंस है जहाँ से नागपुर ज़िले में शॉपिंग मॉल के लिए मटेरियल सप्लाई किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं काम चालू है, अभी मॉर्निंग के बजे है सिर्फ 8। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 1 किलोमीटर की दूरी से जहां से यह समृद्धि महामार्ग शुरू हुआ है, और आप देख सकते हैं सवेरे अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे है और सभी लोग काम पर लग चुके हैं। आज 12 अक्टूबर 2020 कुल 120 मीटर चौड़ाई वाला यह महामार्ग है जो नागपुर और मुंबई, ये दोनों जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, उनको जोड़ने का काम करेगा। तो अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं 1 किलोमीटर के बाद और कंस्ट्रक्शन में हमें क्या इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो दोस्तों अभी मैं आ पहुंचा हूँ गुमगांव, जो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समृद्धि महामार्ग का किस तरह से चल रहा है। बहुत ही तीव्र गति से यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सभी को उम्मीद है कि यह कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मैं इसकी अपडेट्स आपको देते रहूँगा, आप बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराना जो नागपुर से मुंबई जाने वाला महामार्ग है उसकी लंबाई करीबन 850 किलोमीटर है, और नागपुर से मुंबई तक जाने में अभी 16 घंटे लगते हैं, लेकिन यह महामार्ग बनने के बाद वो डिस्टेंस सिर्फ 8 घंटे का रह जाने वाला है, क्योंकि इस महामार्ग से आप 150 किलोमीटर की स्पीड से अपने वाहन को चला सकेंगे। तो चलिए चलते हैं और 1 किलोमीटर आगे और देखते हैं वहाँ की कंडीशन क्या है। अभी हम वहाँ पहुँचे हैं समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पर। यह जो आप बाजू वाला रोड देख रहे हैं, यह जा रहा है सालई दाबा की ओर, बुटीबोरी की ओर जाने वाला यह मार्ग है, और यह जो मार्ग है यह समृद्धि एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग का जो गड्ढे खोदे गए थे उसमें अभी आप देख रहे हैं बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। साइड है तो ये वो जगह है जहाँ से हम अभी आए हैं। ये है मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग समृद्धि का। यह महामार्ग की कुल चौड़ाई 120 मीटर की है, जिसमें 22.5 मीटर बीच में
पैसेज छोड़ा जाएगा और रास्ते के पैसेज के एक तरफ 4 लेन वाला मार्ग होगा, दूसरी तरफ 4 लेन, कुल मिलाकर 8 लेन वाला ये महामार्ग होने वाला है। दोस्तों इसके बारे में अपडेट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इस महामार्ग के बारे में जो भी अपडेट्स मुझे मिलती रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा।